चिराग पासवान मैं नहीं नहीं कहना चाहता हूँ, वो तो बड़े वर्ल्ड के नेते हैं। चिराग पासवान आएंगे इस क्षेत्र में विकास करने के लिए, विकास तो करेंगे जो क्षेत्र के नेता होते हैं उनके बल पर वोट मिलते हैं। तो बाहरी है, इसको यहाँ का खगड़िया के बारे में क्या पता है उसको कि खगड़िया के बारे में क्या पता? राजेश कुमार जो बाहरी है, जो खगड़िया भागलपुर जिला के लोग है। दोस्तों चुनावी चर्चा को लेकर अभी हम खगड़िया लोकसभा में है, जहाँ की संजय कुमार जो है वो CPI से खड़े हैं और एक तरफ जो है LJPR से जो है राजेश वर्मा जी को टिकट दिया गया है। लेकिन आज संजय कुमार का नॉमिनेशन है और यहाँ तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं और तमाम लोग आप देख सकते हैं खगड़िया के ही सारे लोग हैं। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर खगड़िया का अगला सांसद जो है वो कौन बनेगा, संजय कुमार बनेंगे या राजेश वर्मा बनेंगे? संजय कुमार कुशवाहा बनेंगे, जो कि ये खगड़िया का बेटा है और खगड़िया जिला का है और सामाजिक लोग हैं और समाज करते रहे हैं और हम लोग संजय कुमार कुशवाहा के साथ हैं और पूरे जन लोग साथ हैं। मतलब जाति के नाम पे कि विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। क्या विकास किए हैं संजय जी? अभी नए नए जुड़े हैं और शुरू से ही वो कर्म किए हैं और बहुत मेहनत किए हैं और जो इतना दूर आए हैं और नए सांसद हैं, नए चेहरा हैं और विकास इनकी उपेक्षा है। संजय कुमार जी से उपेक्षा है कि ज़्यादा ज़्यादा और इस बार ही संजय कुमार कुशवाहा सांसद बनेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता, उसे सबसे आगे रहेंगे। राजेश वर्मा तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगा, ये झूठ बोल रहे हैं। राजेश कुमार तो बाहरी है, इसको यहाँ का खगड़िया के बारे में क्या पता है उसको कि खगड़िया के बारे में क्या पता? राजेश कुमार जो बाहरी है, जो खगड़िया भागलपुर जिला के लोग हैं, उनको पासवान के नाम पर लड़ रहे हैं चुनाव? चिराग पासवान मैं नहीं नहीं कहना चाहता हूँ, वो तो बड़े वर्ल्ड के नेता हैं। हाँ, मैं जिस कैंडिडेट के बारे में बता, संजय कुमार छोटे वर्ल्ड के नेता अब नहीं 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 मैं यह नहीं कहा। संजय कुशवाहा खगड़िया जिला का बेटा है, मैं उसे जिताने का काम करने। राजेश कुमार वर्मा वो बाहर के हैं, इस जिले के नहीं हैं। बाहरे भगाओ और खगड़िया जिला बेटा को जिताओ। मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी तो मोदी अलग चीज है, खगड़िया की रणनीति है, एक खास करके खगड़िया की बात हो रही है। मैं बाहर मोदी की बात चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, खगड़िया क्षेत्रीय। देश भर में तो मोदी के नाम पे? हाँ सही है, लेकिन यहाँ की ये खगड़िया की चर्चा हो रही, देश की बात नहीं हो रही है, जिला की बात हो रही है यहाँ बस। राजेश वर्मा की संजय कुमार? संजय कुमार। संजय कुमार, सारे लोग संजय कुमार? सारे लोग संजय कुमार। मतलब तेजस्वी जी के नाम पे कि चिराग जी के नाम पे? तेजस्वी जी के नाम पे। तेजस्वी जी के नाम? हाँ। तो क्या तेजस्वी जी क्या विकास किए खगड़िया के लिए? बहुत विकास किए, 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे दिया। अब क्या खगड़िया के लोगों को दिए? खगड़िया के लोगों को नहीं दिए, पूरा इंडिया के लोगों को दिए। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री तो थे ना। उप मुख्यमंत्री नौकरी देते हैं और मुख्यमंत्री नौकरी नहीं देते? अरे दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हुआ, दोनों के कॉम्बिनेशन से। हाँ, लेकिन यहाँ से कौन जीतेगा? संजय कुमार। संजय कुमार, हाँ। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। भैया चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? चिराग पासवान की तेजस्वी यादव जी लालटेन छाप रहे थे जी जी। चिराग पासवान कोई काम नहीं करते? नहीं नहीं, काम करते हैं वे भी, लेकिन अब की बार मौका मिला है तो देना है। युवा चेहरा है, पढ़े लिखे जी जी। चिराग पासवान को नहीं देना? नहीं। राजेश वर्मा को नहीं देना? नहीं नहीं। संजय कुमार? संजय कुमार को देना है। क्या विकास किया संजय जी इस यहाँ के लिए? नया चेहरा है, अपना काम दिखाएंगे ना। हाँ, वो क्या किए हैं वो चीज भी हम जानना चाहेंगे ना। नया चेहरा? नया चेहरा है। हाँ, यह खगड़िया का बेटा है और खगड़िया के धरती पर अच्छा काम करेंगे, हम लोगों का बहुत विश्वास है कि वो काम करेंगे तो करेंगे। विश्वास है कि अच्छा काम? अच्छा काम करें। अभी तक किए नहीं है? करे हैं, किए हैं, समाज का बहुत किए हैं। पुल बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, कोई मेडिकल कॉलेज? नहीं वैसा बात नहीं है, मान लिया जाए कि काम करेंगे, अभी पद पर नहीं है तो आएंगे तो करेंगे निश्चित करेंगे। हम लोगों को कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? हम तो आए, मैं अति भाषण सुनने के लिए आए हैं। किसका भाषण? किसका भाषण? किसका जो अच्छा भाषण देगा उसी ना सुनना सुनना। कहाँ आए हैं, किसका भाषण सुनने आए हैं? अपना भाषण सुनने आए थे। अपना भाषण आप सुनिएगा, चलिए बहुत 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 जाइए, अपना भाषण उधर देके उधर सुनते रहिए, ये अपना भाषण सुनने आए। आप किनका भाषण सुनने आए? हम आए महागठबंधन के भाषण सुनने के लिए, महागठबंधन के सहयोग करने के लिए,
दुनिया को जगाने के लिए बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के सरकार इस बार हिंदुस्तान में बनने के लिए जा रहे हैं। हाँ, मोदी जी तो कह रहे 400 पार। हाँ, इस बार सब पार है, सब पार है इस बार। इस बार दुनिया देखेंगे किस तरीके से इस बार पार हो रहा है। इसका झूठ का ढोल जो है फूट चुका है, इसका मोदी जी का बहुत बड़ा ढोल जो था ये झूठ का ये ढोल फूट चुका है। क्या झूठ बोले? हाँ, वो सब इसका विकास दुनिया देख रहा है किस प्रकार से इनका विकास है। सबके साथ सबके विकास, तो सबके साथ सबके विकास ये दुनिया देख रहा है जो किस प्रकार से इसने विकास किया है। मुफ्त में तो राशन दे रहे हैं। अरे मुफ्त में 2 किलो राशन वो अपने बाप घर से दे रहे हैं। किसका कमाया? हमारे जनता का देन है ना, कि वो अपने बाप घर से ला कर दे रहा है। जो हम लोगों के निजी मांग है आज निषाद समाज के, आज क्या निषाद समाज हिंदुस्तान के वासी है या नहीं है? जब हिंदुस्तान के हम मूलवासी है तो हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए ना। वो बहुत गुण गाते हैं जो रामायण पाठ के, तो फिर कहाँ गया रामायण पाठ, कहाँ गया आपका सबका साथ सबका विकास? फिर क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं हम लोग का अधिकार दिया जा रहा है? मतलब यह खगड़िया लोकसभा से संजय कुमार जीत रहे हैं कि राजेश वर्मा जीत? संजय कुमार जीत रहा है इसमें। अरे पूछ नहीं सकते इस बार, वो बता नहीं सकते हैं इस बार। लोग इस बार समझ नहीं रहा जब क्या होगा नहीं होगा, शायद वो कहाँ से आ गए। एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं, मान लीजिए ये जो है एनडीए का जो प्रत्याशी है कौन है, उसको कोई पहचानते हैं, जानते हैं? नेता लीडर कौन होता है जो पासवान के चेहरा पे, मोदी जी के चेहरा पे लड़ रहे हैं? अरे चिराग पासवान आएंगे इस क्षेत्र में विकास करने के लिए, विकास तो करेंगे जो क्षेत्र के नेता होते हैं उनके बल पर वोट मिलते हैं। आज मान लिए छोटा छोटा नेता गांव में जिला में प्रखंड स्तर पर उन्हीं के देख कर लोग काम करवाते हैं, तो उनको कौन पहचानते हैं? तो संजय कुमार क्या विकास किए हैं खगड़िया के लिए? संजय कुमार इस क्षेत्र का है, इस क्षेत्र के बेटा है, ठीक है। ये गरीबी में चला है, गरीबी में पला है, गरीबों के साथ रहा है और गरीबों का ये पार्टी है। तो बेटा बेटा के नाम पे वोट दीजिएगा कि विकास के नाम पे? बेटा के नाम पर दिया जाएगा, उसके बाद विकास की करेगा वही बेटा। अभी तक विकास किए नहीं है? विकास जब जगह पर आएंगे तो विकास भी होगा, जगह पर जब आएंगे संजय कुमार तो विकास भी होगा। जब जी आप लोग के लिए कोई विकास किए? कुछ नहीं। मोदी जी क्या बात करते? मोदी जी कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री? हाँ, बहुत बड़ा झूठा ढोल पीटने वाले पार्टी है, बहुत बड़ा झूठा ढोल पीटने वाले पार्टी है। अब लोगों ने पहचान चुके हैं, इतने दिन लोग अंधे कुप में थे, कहा गया उसका 15 लाख राम मंदिर बनवाए। हाँ, वही राम मंदिर, सबको खाना सबको पीना सबको दाना सबको दवाई देंगे, वही राम मंदिर। सब लोग पूजा कर रहे हैं खुशी से। अरे पूजा से जब दुनिया चले तो फिर इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है? जब पूजा से दुनिया चल सकता है तो इतना मेहनत क्या है जरूरत? तो मोदी जी क्या है? मोदी जी ऐसे झूठे बयान दे करके लोग के बरगला करके दुनिया को झांसा दे करके आपस में लड़वाने के इसके काम है, इसका नीति है सत्ता में रहने का। तेजस्वी जी भी तो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे तेजस्वी जी तो कुछ तो किया है कि नहीं किया है? क्या किया? दिन 17 महीना के अंदर मैं कुछ न कुछ करके दिखाया या नहीं करके दिखाया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों थे ना साथ में मिलकर किए ना। उनका नाम क्या नहीं ले रहे? फिर नीतीश कुमार कौन था? जो भागते पढ़ाते हैं उसका नाम रहते हैं क्या बताइए? नाम तो अस्थाई लोग का नाम रहते हैं ना। जो अगोरा भगोरा है, भगोरा का नाम कितना देर लोग जपेंगे? लेकिन मुख्यमंत्री तो वही थे। अरे थे ना, लेकिन भगोरा का नाम कितना देर? जो अस्थाई लोग रहते हैं, जो जनता के लिए लड़ते हैं, सही मुद्दा उसके पास रहते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 4000 पार कर रहे हैं। हाँ क्यों, 400 से 4000 अब दूसरे पैदा करेंगे हिंदुस्तान में? हाँ हम सुने हैं वास्तविक है जो इनके साथ 4000 अब जो है इस बार सांसद खड़ा होंगे। अब कहाँ से आएंगे पूरा सांसद? शायद लगता है पूरे आप लोग कितना पार कर रहे हैं सही सही बताइए।
हम लोग इतना दावा नहीं करेंगे, लेकिन इस बार बिहार से जो है इसके सत्ता समाप्त हो चुका है। बिहार से पक्का है जो इस बार पक्का क्लियर है, जो निषादों की चोट से इनको पता चल जाएगा जो निषादों क्या चीज है।